कोटिकवाल टोली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 8 साल से आपराधिक मामले में फरार चल रहे बदमाश को घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। इंदौर छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में 2011 के आपराधिक मामले में फरारी काट रहे अनिल मराठा उम्र 28 साल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश परदेसीपुरा का रहने वाला है और बदमाश का न्यायालय द्वारा कई बार वारंट जारी भी किया गया था, लेकिन जब धरपकड़ के लिए पुलिस ने घेराबंदी कर दी तो वह पुलिस को चमका देकर फरार हो जाता है। बदमाश कई स्थानों पर नाम बदलकर और चेहरा बदलकर फरारी काट रहा था। वहीं लगातार जांच पड़ताल के बाद मुखबिर से सूचना मिलने पर बदमाशों को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया और सलाखों के पीछे भी कर दिया है। वहीं पुलिस द्वारा फरारी के समय बदमाशी करने वाले और अन्य तथ्यों की भी जाँच कर रही है। हाँ, ये अनिल मराठा नाम के परदेसीपुरा निवासी थे जो 25 शाम सेक्ट में वांटेड थे और प्रकरण वर्ष 2011 का था। ये लगातार फरार थे, पैसों पे आते नहीं थे, तो इनका स्थायी वारंट निकला था माननीय न्यायालय से। तो ये अपना स्थान बदल बदल के और जगह जगह अपना रूप बदल कर रह रहा था, जिसके कारण पुलिस को पकड़ में नहीं आ रहा था। तो कल मुखबिर की सूचना पर स्टाफ की मदद से उसको नेपा नगर जिला बुरहानपुर में जाकर हमारे यहाँ के स्टाफ हेड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश, आरक्षक दिनेश और रामायण वगैरह में जाकर इनको पकड़ा है।